मैडम जी, बाकी तो बॉम्बे में सब कुछ अच्छा है, पर ना यहाँ पे वो ठंड नहीं पड़ती है। अब हिमाचल की ठंड की बात ही निराली है, क्यों शालू? सर्दियों में बैठ के गरम गरम अदरक की चाय पियो, दालचीनी डाल के गरम गरम गाजर पाक खाओ। गाजर पाक? जी गाजर पाक, वो गाजर का जो हलवा होता है ना, उसको गाजर पाक कहते हैं। मटन पुलाव खाओ रजाई के बीच में बैठ के। पानी आ गया मेरे मुंह में। क्या बात है शिमला की। रमाकांत जी। हाँ जी। अब मुंबई जैसा है आपके सामने है, बेहतर ये होगा कि आप भी इसके रंग ढंग में जल्दी से ढल जाए। समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? जी क्या? यही आपकी ये टोपी, ये जैकेट और आपकी ये खूबसूरत झुमके, ये लंबा सा पेंडेंट, ये सब आपको चेंज करना पड़ेगा। अब आप मुंबई के रंग ढंग में ढल जाए तो अच्छा है। After all, आप एक सक्सेसफुल मॉडल की मम्मी डैडी हैं। मैडम जी, काली कमली पे चढ़े ना दूजा कोई रंग। अब मैं जितना भी बदलना चाहूं, रहूंगा तो वहीं का ना, शिमला वाला, है ना रिया? आप लोगों के लिए मैंने एक फ्लैट देख रखा है। वाह मैडम जी, आप तो बहुत दरिया दिल है जी। नहीं नहीं, आप लोग उसे रेंट पर लेंगे। वन बेडरूम हॉल है। देखो मैडम जी, हम तो वही करेंगे, वहीं पर रहेंगे जहां पर रिया चाहेगी। बोलो रिया बेटा, क्या प्रोग्राम है जी? मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही। पर रिया बेटी, नाश्ता तो पूरा करती जा। रिया क्या हो गया इसे? ना नाश्ता खाया ना जूस पिया, सुबह से गुमसुम बैठी है। कोई बात कह रही क्या आपने उसे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई, कुछ भी तो नहीं हुआ है ना? हाँ जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है जी। वो भूख नहीं लगी होगी शायद उसको जी।